ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसे रेमेडी को कहते हैं शौ रोगों की एक दवा। इस दवा को लेने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या पूरी तरह से आपको छुटकारा मिलेगा। इस दवा को लेने के लिए कैसे इसे बनाना है, कैसे लेना है, सब कुछ मैंने वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताया। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आइए देख कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी और उसे कैसे लेना है, क्या करना है, तो आइए विस्तार से। शुभांशी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस रेमेडी को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये 200 ग्राम सौंफ है, 200 ग्राम जीरा है और 150 ग्राम मिश्री है। ये धागा वाली मिश्री है, पतली वाली सौंफ जिसे हम लोग खाने के बाद खाते हैं। मोटी वाली मसाले वाली सौंफ मत लीजिएगा, उस सौंफ की नहीं बनाई जाती। तो आइए हम लोग सबसे पहले जीरे को थोड़ा सा रोस्ट। मेडी से फ्रेंड पूरी तरह से आपकी हर समस्या दूर करेगा, जैसे गैस की समस्या हो, बदहजमी हो, गले में जलन हो, कब्ज की समस्या हो। कब्ज को जड़ से समाप्त करता है फ्रेंड, पेट को पूरी तरह ठंडा रखेगा। इतनी बेनिफिट इससे देगा आपको ना, बहुत तरह की बेनिफिट है। ब्लड प्योरीफाई करेगा आपको, हर तरह से आपके कोई भी समस्या हो, शरीर में सूजन हो, दर्द हो, तो उस सब चीज़ों से निजात दिलाएगा। तो देखिए इधर हमारी फ्राई पैन गर्म हो चुकी थी, अब हम लोग जीरा को फ्राई कर लेते हैं। जीरे को पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके इसका पाउडर बनाएंगे। तो ये रोस्ट हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देंगे। देखिए गैस बंद करना थोड़ा सा भूल गए थे, गैस उसी गर्म कढ़ाई में फ्राई पैन में ही सौंफ को 2 मिनट के लिए डालेंगे, फिर निकाल लेंगे। मैंने निकाल लिया है और इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम लोग पाउडर बनाएंगे। एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसको पाउडर बनाएंगे। तो जीरा गरम है, सौंफ तो बस हल्का सा हम लोग किए थे, तो उसको पहले कर लेते हैं। जीरा पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, गरम में पाउडर मत बनाइए फ्रेंड। तो इसको ठंडा होने के बाद ही पाउडर बनाइए। तो पहले हम लोग सौंफ का पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए सौंफ का हमने डाल दिया और सौंफ का पाउडर बना के तैयार करते हैं। इस तरह से एक बड़ा बर्तन लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को एक ही चाल लेंगे हम लोग, और पाउडर बन चुका है। अब इसको हम लोग छलनी लेकर के इसको चाल कर लेते हैं, क्योंकि जिसमें मोटा टुकड़ा वगैरह होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा। इस तरह से चाल के हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से बारी बारी से हर चीज़ों को हम लोग तैयार करेंगे। बहुत ही फायदेमंद है, मोटापे की समस्या हो के लिए रामबाण है, सूजन है, फैटी लीवर है, कमर दर्द है, हर प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द है, सारी समस्याओं आपको लाभ पहुँचाएगा। ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्योरीफाई करता है, प्योरीफाई करेगा आपका। या आपका बीपी की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, आजकल सबसे बड़ी समस्या बन गई है लीवर की समस्या, फैटी लीवर की समस्या, आजकल बहुत सारे इस तरह से बहुत सारी समस्याएं। देखिए हमने जीरा को पीस लिया है, अब इसको जीरा को भी छान लेते हैं फ्रेंड। बहुत ही फ़ायदेमंद, इतनी बेनिफिट है ये इस रेमेडी में। तो जीरा को भी हम लोग इसी तरह छान लेते हैं और छान करके इसमें जीरे को हम लोग अच्छे से चाल लेंगे। इसमें जो मोटा भाग निकलेगा उसे हटा देंगे, मोटे भाग को नहीं डालेंगे और इसको पूरी अच्छी तरह से हम लोग चाल लेते हैं। तो देखिए चालने में थोड़ा सा मोटा भाग निकला, उसको हटा देते हैं। अब बारीक पाउडर बन के तैयार मिल चुका है। तो देखिए पाउडर बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम लोग मिश्री का ही पाउडर बनाएंगे। मिश्री को पहले तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, मिक्सी में ऐसे नहीं तोड़ पीस सकते हैं, इसलिए पहले इसको तोड़ेंगे। तो पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं फ्रेंड, तब इसका हम लोग पाउडर बनाएंगे। देखिए तोड़ लेते हैं, धागे वाली मिश्री है, धागे वाली ही मिश्री यूज़ करिएगा, बाकी कोई मिश्री मत यूज़ करिएगा। देखिए धागे वाली मिश्री है और इसको हम लोग अब इसका भी पाउडर बनाएंगे। इसको भी ग्राइंडर जार में डालेंगे, इसका भी हम लोग पाउडर बनाएंगे और पाउडर बना के इसको भी चाल लेंगे। तो देखिए इसको भी हम पाउडर बना लिया, अब इसको भी चाल लेते हैं, जो कि धागा वगैरह होगा या मोटा जो भी भाग होगा इसका, इसका भी निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग चाल लेते हैं। सारी चीज़ों को चाल लेंगे अच्छी तरह से, सारी चीज़ों को चाल के अब एकदम देखिए ये मोटा भाग निकल गया है, धागा होगा निकल गया, उसे हटा देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि सारे सामग्री आपस में एक दूसरे में मिल जाए। तो इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करिए, हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे, चम्मच से कर रहे हैं, फिर हम इसको हाथों से भी करेंगे। तो देखिए हाथों से मिक्स कर लिया, अब इसके लेंगे एक एयर टाइट कांच की जार। हमेशा एयर टाइट कांच की जार लीजिएगा, इसको आप 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको पूरी तरह से इसको बेनिफिट आपको देगा। तो देखिए ये पूरी तरह बन चुका है। अब इसको कैसे लेना है, बड़ों के लिए 1 चम्मच भर के पूरा 1 गिलास पानी, 1 गिलास में डालिएगा, ऊपर से 1 गिलास पानी डालिएगा और इसको पी लीजिएगा। पीते ही आप देखिएगा फ्रेंड, आपकी किसी भी तरह की गैस की समस्या है, दर्द है, सूजन है, पूरी तरह से छूमंत है, चाहे कोई भी समस्या हो, आपको कब्ज की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, आपको तुरंत आराम देगा फ्रेंड। इससे आपके शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देगा, आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। आप रोज़ाना इसका नियमित प्रयोग करेंगे तो आप चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, स्फूर्त रहेंगे, मोटापा कम करता है, फैट को आपको घटाता है, लीवर की समस्या को पूरी तरह निजात देता है। इस तरह से बनाइए फ्रेंड और रोज़ाना इसका यूज़ करिए। आप 1 चम्मच बड़ों के लिए, आधे चम्मच छोटों के लिए यूज़ करिएगा। इस तरह से इसको यूज़ करना, इस तरह से बनाइए और फ्रेंड इसको यूज़ करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके